ओके सो हे गाइस, बस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा, तो आप लोग गाइस इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप लोगों को बस क्या करना है इस फोटो एडिटिंग को करने के लिए, आप लोगों को जो गाइस मैं फॉलो करने को बोलूंगा गाइस आपको वो स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। बाकी गाइस आप लोग जो एकदम सेम एडिट ऐसी कर पाओगे फोटो गाइस, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ना इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा आपको, ठीक है, फोटो में। आप बिल्कुल भी घबराओ मत। बाकी गाइस, आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे अपना फोटो जो है, मतलब आपको अपना मॉडल जो है कुछ इस टाइप से फोटो क्लिक करवा लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, जो आपका जो मॉडल होगा उसका आप कटआउट निकाल लेना। बाकी गाइस, आपको भी देखिएगा जिसको लगाना कैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ध्यान से देखना है। पहले गाइस आपको अपने मॉडल के जो एडजस्टमेंट वगैरह वो कर लेना है, इफेक्ट में जाके एक कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, आपको इसको सिंपली यहाँ पे मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज कर देना यानी कि मतलब कि आपको ऊपर जब तक मर्ज नहीं करोगे तो गाइस वो जो फिल्टर है उस पर ऐड नहीं होगा, तो इसको आपको मर्ज कर देना है। देन आपको जाना है ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे अपनी फोटो में जितनी ब्राइटनेस है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद अगर आप सिलेक्ट कर लेते तो गाइस हेयर्स वगैरह के ऊपर से जो है उसको रिमूव कर लेना, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे इन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे पेंट कर लूँगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको फिर क्या करना है, जितना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर अपने आपको जो अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद जो आप लोगों का यहाँ पे देखिए साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। साइज को इंक्रीज करना है यानी कि देखिएगा आप पहले ना यहाँ पे साइज को देख लेना अपना, कि आपको अपना मॉडल को कितना रखना है, मतलब साइज जो है आप यहाँ पे पहले फोटो को देख लो, मैं जितना रख रहा हूँ आपको भी साइज उतना ही रखना है अपने मॉडल का, ठीक है। उसको इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस कुछ शेप से हाइट वगैरह जब आप रख लोगे तब आप सभी को ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपका जो मॉडल एकदम परफेक्ट तरीके से वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं। देन उसके बाद आपको रिजर टूल में जाना है, कोई हार्डनेस को यहाँ पे फुल कर देना है। उसके बाद आपको रिजर टूल में जाकर आपको जो नीचे का जितना भी एरिया है सारा आपको इनको इरेज करना है, यानी कि इरेज कैसे करना है गाइस, आपको यहाँ पे दिख जाएगा गाइस फोटो में एक बांस की लकड़ियाँ होंगी इनमें, ठीक है। आपको उनको जो है वहाँ से आपको इसको इरेज करना है, यानी कि आपका मॉडल जो है बांस की लकड़ी को उस साइड बैठा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको उसको इरेज करना है। मैं चाहता तो गाइस आप लोगों को उसका PNG भी दे देता, बट गाइस जिसमें PNG से क्या होगा ना कि किसी के में ऐड होगा और किसी में नहीं हो पाएगा, तो गाइस इससे क्या होगा कि मतलब काफ़ी भाई परेशान भी हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं लगे रहने देता हूँ, आपको इरेज करने का तरीका बता दूंगा, तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी फोटो एडिटिंग की, एंड आप लोग ईजिली आप मतलब सबके आप उसमें वर्क भी करेगा ये, ठीक है। उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको अपनी फोटो का यहाँ पे ओपेसिटी फुल करके देखना है, ठीक है। एंड कहीं कोई पार्ट रह गया होगा तो गाइस आपको जूम करके देखना है, एंड कोई भी पार्ट रहना जाए इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर रह जाए तो गाइस आप लोग ये पेंट वाला ब्रश लेके आपको यहाँ पे सिंपली जहाँ जहाँ पे आपका रह जाए वहाँ पे पेंट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे जब इतना हो जाएगा तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को डन करना है, ठीक है। जैसे गाइस हमारा यहाँ पे हो चुका है तो अब कहीं कुछ कमी नहीं है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको करते हैं डन, ठीक है। डन कर देने के बाद जो आपको अभी यहाँ पे पूरा प्रॉपर डन नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप सभी को क्या करना है, सॉरी गाइस यहाँ पे हम एडजस्ट में आ गए हैं, तो उसको हमें वापस चलते हैं जहाँ पे हम थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, एंड यहाँ पे अब क्या करना है गाइस, आपको उसका करना है डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट क्यों करना है, थोड़ा सा फोटो को आपको यहाँ पे डार्क करना है अपनी, तो उसके लिए हम पहले डुप्लीकेट करेंगे, एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम सेम साइज़ में रखेंगे। सेम साइज़ में रखने के बाद हम जाएंगे ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन, आपको ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके अमाउंट को जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। देन आप सभी को क्या करना है, आपको जाना रिजल्ट में, उसको करना इन्वर्ट। इन्वर्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे साइज और ओपेसिटी कम कर देना है। एंड जैसे ही देखिए हमने जो नीचे का इरेज किया था वो पार्ट भी यहाँ पे आ चुका, तो पहले हम इनको इरेज कर लेते हैं ओपेसिटी हार्डनेस फुल करके। सो हमने इसको इरेज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, सुबह जितना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको लेना है ब्रश। ब्रश को लेने के बाद गाइस जहाँ जहाँ पे आपको डार्कनेस चाहिए वहाँ वहाँ पर कुछ सिंपली आपको यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे पेंट कर लेना है, ठीक है। जैसे गाइस मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन पे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी गाइस जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है प्लीज़ जरा उसको इग्नोर करना, क्योंकि यार मतलब मैं भी परेशान हो गया हूँ, बहुत देर से मैं वेट कर रहा था कि चुप होंगे बट चुप नहीं हो रहे, तो बाकी गाइस इग्नोर करना, ठीक है। बाकी अभी आपको इतना कर देने के बाद आपको करना, आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक विग्नेट का PNG। एंड गाइस जितना कुछ हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, इसको लेके चलना लाइटरूम में अपने।